श्रद्धा का कत्ल कब और कैसे किया? 18 मई बुधवार की रात को श्रद्धा से झगड़ा हुआ था। झगड़ा इससे पहले भी होता था, मगर उस रोज बात बहुत बढ़ गई। हम दोनों में हाथापाई हुई और फिर मैंने श्रद्धा को पटक दिया। इसके बाद उसके सीने पर बैठकर दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा, तो कुछ देर में उसने फिर दम तोड़ दिया। दिल्ली का हिला देने वाला श्रद्धा मर्डर केस। पुलिस ने जब आरोपी आफताब अमीन पूनावाला से पूछताछ की तो उसने कुछ इस तरह जुर्म की खौफनाक कहानी को बयां किया। आप भी सुनिए पुलिस के सवाल और आरोपी के जवाब। श्रद्धा का कत्ल कब और कैसे किया? 18 मई बुधवार की रात को श्रद्धा से झगड़ा हुआ था। झगड़ा इससे पहले भी होता था, मगर उस रोज बात बहुत बढ़ गई। हम दोनों में हाथापाई हुई और फिर मैंने श्रद्धा को पटक दिया। इसके बाद उसके सीने पर बैठकर दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा, तो कुछ देर में उसने फिर दम तोड़ दिया। फिर लास्ट के साथ क्या किया तुमने? उस रात श्रद्धा की लाश घसीटकर बाथरूम ले गया। पूरी रात लाश वहीं पड़ी रही। लाश के टुकड़े कैसे और कब किए? 19 मई को मैं बाजार गया था। लोकल मार्केट से 300 लीटर का एक फ्रिज खरीदा, शायद कीर्ति इलेक्ट्रॉनिक्स से। एक दूसरी दुकान से आरी खरीदी, फिर मैं घर लौट आया। रात को उसी बाथरूम में आरी से लाश के टुकड़े करने शुरू किए। मैंने कुछ दिनों के लिए शेफ की नौकरी की थी, उससे पहले करीब 2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी ली थी। उस दौरान चिकन और मटन के पीस करने की भी ट्रेनिंग मिली हुई थी, तो इसलिए मैंने 19 मई को लाश के कुछ छोटे टुकड़े किए, उन्हें पॉलीथीन में डाला, फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन समेत फ्रिज के फ्रीजर में रख दिया। बाकी लाश फ्रिज के निचले हिस्से में रखी थी। कितने दिनों तक लाश के टुकड़े किए? 2 दिनों तक, 19 और 20 मई। लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाना कब शुरू किया? 19 और 20 की रात पहली बार लाश के कुछ छोटे टुकड़े फ्रीजर से निकालकर बैग में रखे थे। पहली रात बैग में कम टुकड़े रखे थे, क्योंकि लाश के टुकड़े के साथ देर रात बाहर निकलने में मैं थोड़ा घबरा रहा था, कहीं रास्ते में पुलिस तलाशी न ले ले। पहली बार लाश के टुकड़े कहाँ फेंके? 19 और 20 मई की रात महरौली के जंगल में टुकड़े फेंके थे, लेकिन जंगल के ज्यादा अंदर नहीं जा पाया था। कितने दिनों में लाश के सारे टुकड़े ठिकाने लगाए? ठीक से याद नहीं, लेकिन कम से कम 20 दिनों तक मैं लाश के टुकड़े फेंकता रहा था। लाश के टुकड़े कहाँ कहाँ फेंके? मैं सिर्फ छतरपुर और महरौली के पास ही आता जाता था, ज्यादा दूर जाने में पकड़े जाने का खतरा था। तुम्हें वो सारी जगह याद है? नहीं, लेकिन हाँ कुछ जगह पता है। रात में अंधेरा था, इसलिए सारे ठिकाने सही सही याद नहीं है। 20 दिनों तक घर में लाश या लाश के टुकड़े थे, इस दौरान तुम्हारा रूटीन क्या था? चूंकि घर में लाश थी, इसलिए मैं घर से बाहर निकलता नहीं था, ना ही किसी पड़ोसी से मिलता या बात करता था। मैं बार बार टुकड़ों को फ्रिज के निचले हिस्से से फ्रीजर में और फ्रीजर में रखे टुकड़ों को नीचे रखकर उनकी अदला बदली किया करता था, ताकि लाश की बदबू बाहर ना आ सके। घर, फ्लोर, बाथरूम, इन सभी जगह केमिकल से सफाई किया करता था। पूरी लाश ठिकाने लगा देने के बाद तुमने क्या किया? मैंने पूरे घर की सफाई की। फ्रिज खाली होने के बाद फ्रिज को भी केमिकल से अच्छे से साफ किया। बाथरूम, फर्श, दीवार, चादर, कपड़े, हर चीज को धोया और साफ किया। इतनी सफाई क्यों की? क्योंकि घर से लाश की बदबू निकालनी थी। दूसरी, मैं ये यकीन कर लेना चाहता था कि घर के अंदर खून या मांस के कोई भी सबूत ना छूट जाएं। मैं जानता था कि कभी ना कभी ये सच बाहर आएगा और तब इस घर और फ्रिज की भी जांच होगी, इसलिए मैंने अपनी तरफ से हर सबूत को धो डाला। जिससे तुम प्यार करते थे उसकी लाश के साथ ऐसा बर्ताव करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? नहीं, मुझे गुस्सा आया था, इसलिए मैंने श्रद्धा को मार डाला, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसकी मौत का सच घर से बाहर जाए। श्रद्धा के घर वाले भी उससे दूर रहते थे, उसकी अपने घर वालों से ही बात नहीं होती थी। मुझे पता था कि उसे कोई ढूंढने नहीं आएगा,
इसलिए लाश को इस तरह ठिकाने लगाना जरूरी था और मैंने वही किया।